देखते हैं किसकी कोशिश रंग लाती है। बहरहाल भारत की एक बड़ी कोशिश जो कि रंग लाई है करतारपुर कॉरिडोर मामले में एक बड़ी कूटनीतिक जीत भारत के पास। दोनों मुल्कों के बीच पाकिस्तान में करतारपुर कमेटी की बैठक हुई जिससे आगे का रास्ता साफ हो गया। बैठक में पाकिस्तान ने रोजाना 5,000 श्रद्धालुओं को करतारपुर जाने की इजाजत दे दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को लेकर लंबे समय से जारी गतिरोध आज दूर होता दिखा जब दोनों देशों के बीच एक अहम बैठक हुई। इसमें कॉरिडोर पर जारी गतिरोध दूर करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया और बैठक में दोनों देशों के बीच सहमति भी बनी और अब हर दिन 5,000 भारतीय श्रद्धालु बिना वीजा के करतारपुर जा सकेंगे। पिछली बैठक 14 मार्च को अटारी यानी कि भारत की सीमा के अंदर हुई थी। आज हुई बैठक के बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष मोहम्मद फैजल ने कहा कि इस बैठक में 80% मामलों में सहमति बन गई है, शेष बचे मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए एक और बैठक हो सकती है। डेलीगेशन हैज जस्ट प्लांटेड ए सैपलिंग, नीम का पौधा। यहाँ पर हमने इंडियन डेलीगेशन को भी दावत दी थी, उनके पास वक्त कम था, वो चले गए। हमने बहरहाल ये अमन का पौधा जो है इसको प्लांट कर दिया है। जरा मौसम तो बदला है मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। बहुत से जर्द चेहरों पर गुबारे गम है कम बेशक, पर उनको मुस्कुराने में अभी कुछ दिन लगेंगे। तो कोशिश जारी है जी, काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव SCL दास के मुताबिक भारत ने डेरा बाबा नायक और आसपास के इलाकों में बाढ़ को लेकर चिंता को पाकिस्तान से अवगत कराया है और हमारी ओर से रोजाना करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है जिससे श्रद्धालुओं को पूरे साल दर्शन की इजाजत मिले। टुडे हैज रिव्यूड द प्रोग्रेस रीच्ड इन द प्रीवियस 3 राउंड्स ऑफ टेक्निकल मीटिंग्स एंड हैज आल्सो बिल्ट अप ऑन द प्रोग्रेस मेड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स जॉइंट सेक्रेटरी लेवल टॉक्स। In our meetings, we have endorsed the crossing point, the zero point coordinates that were agreed to at the technical level. We have very importantly conveyed our concerns regarding the possible flooding of the Dera Baba Nanak and adjoining areas on our side. Security concern, हम पहले भी कहते रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि security हमारे लिए एक paramount concern है और इस पर कहीं कोई letup, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से, इसकी कोई संभावना है नहीं। हमारी एजेंसीज पूरी तरह से इसमें कमिटेड हैं। सो आज भी जैसे पहले के टॉक में किया था, आज के भी टॉक में किया है, सिक्योरिटी के मामले में हमारी कंसर्न्स को बहुत पुरजोर तरीके से रखा गया है। हमने जैसे आपको बताया एक डॉसियर दिया है। वहीं बातचीत से पहले ही भारत की मांग मानते हुए पाकिस्तान ने खालिस्तानी नेता गोपाल सिंह चावला को करतारपुर कॉरिडोर से जुड़े पैनल से हटा दिया था। बता दें कि भारत सरकार ने जब 22 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की तो पाकिस्तान ने कहा कि वो पहले से ही इसकी घोषणा कर चुका है, मतलब दोनों ही देश इस कॉरिडोर पर एक साथ राजी हुए थे। करतारपुर में जिस जगह नानक देव की मौत हुई थी, माना जाता है कि उसी स्थान पर ये करतारपुर गुरुद्वारा है। सिख और मुसलमान दोनों धर्मों में इस स्थान की मान्यता है। गुरुद्वारा नारोवाल जिले के शकरगढ़ तहसील के कोटी पिंड में रावी नदी के पश्चिम में स्थित है। करतारपुर के पास हरे भरे खेत के बीच सफेद रंग की शानदार इमारत दूर से ही नजर आती है। इस गुरुद्वारे के अंदर एक कुआं है, मान्यता के अनुसार ये गुरु नानक देव जी के समय से है। यहाँ सेवा करने वालों में सिख और मुसलमान दोनों शामिल है और यही वजह है कि गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के लिए दोनों देश इस कॉरिडोर को श्रद्धालुओं के लिए खोलने पर काम कर रहे हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।